कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया, इंद्रजीत भी मारा गया। आखिर रावण ने बची हुई राक्षस सेना को एकत्रित किया और उसने आदेश दिया कि जाओ, राम की सेना पर टूट पड़ो, उनका सर्वनाश कर दो। इसीलिए रावण सेना शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ी। इधर वानर सेना भी तैयार थी, पत्थर, तलवार, गदा, पेड़ के साथ दोनों ही सेनाओं में घमासान युद्ध शुरू हो गया। श्री राम ने अपनी अस्त्र सामर्थ्य बढ़ा दी। श्री राम के बाणों की वर्षा इतनी जल्दी हो रही थी कि वो कब बाण उठाते थे, कब छोड़ते थे, कब उठाते थे, कब छोड़ते थे, पता ही नहीं लग रहा था। श्री राम का ये पराक्रम देखकर रावण स्वयं आश्चर्य में पड़ गया। आखिर राक्षस सेना युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। तब रावण दिव्य रथ पर सवार होकर स्वयं आगे आया। उसका प्रताप अनूठा था। उसके छोड़े हुए असंख्य बाणों ने सूर्य का प्रकाश कम कर दिया। हर तरफ बाण ही बाण थे। वानर सेना का पराक्रम जारी था। तभी रावण ने लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण ने रावण का बहुत अपमान किया। ठहरो लक्ष्मण, तुम मेरा अपमान करते हो, अब इसका फल भोगना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा कहकर रावण ने एक अत्यंत दिव्य शक्ति लक्ष्मण पर छोड़ दी। लक्ष्मण घायल होकर युद्ध भूमि पर बेसुध होकर गिर पड़ा। रावण विजयी मुद्रा में लंका वापस चला गया। दूसरे दिन रावण और भी गुस्से में युद्ध में उतरा। राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध से बड़ी प्रलय हो गई। आकाश में देव और गंधर्व एकत्र होकर इस युद्ध को देखने लगे। बची हुई राक्षस सेना और वानर सेना स्तब्ध रह गई। दोनों की शस्त्रास्त्र कला युद्ध भूमि पर प्रकट हुई। फिर राम ने रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ये क्या चमत्कार, तत्काल उसका दूसरा सिर आ गया। एक सिर की जगह पर बार बार नया सिर आने लगा। ऐसा चमत्कार आश्चर्यजनक है। श्री राम रावण का सिरों का विध्वंस करते रहे। तब राम ने विचार किया कि शायद उनके बाणों में शक्ति नहीं रह गई है। तभी विभीषण ने आकर श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। इसीलिए राम ने फिर अपना ब्रह्मास्त्र बाहर निकाला, उसकी स्तुति की और रावण पर चला दिया। रावण को जैसे ही तीर लगा, उसके शरीर का अमृत बाहर आ गया। रावण जमीन पर गिर गया और मर गया। इस तरह जगत के महान पापी का अंत हुआ। वानर सेना ने श्री राम का जय घोष किया। श्री राम की विजय की घोष से सारा त्रिभुवन गूंज उठा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।